तब राम की नगरी में इसमें मौजूद है, जिससे श्रद्धालु अयोध्या में आ रहे हैं दर्शन करने के लिए और जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए आप दिखाई पड़ा कि जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए खड़े हैं और बहुत खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि प्रभु राम की नगरी में मौजूद हैं। श्रद्धालुओं को तांता लगा हुआ है, सुबह से भोर से ही श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और बहुत खुश नजर आ रहे हैं। मैं सप्तऋषि आश्रम अयोध्या से ही हूँ और जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्पांतर की जब तपस्या होती तब अयोध्या में निवास होता है। परमपिता परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि का 500 साल प्रतीक्षा करने के बाद में आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये भी हमारे सनातनों का महान गर्व है। इसलिए हम आप सबके लिए चाहते हैं एवं हमारे श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से और सीएम योगी के माध्यम से जो प्राण प्रतिष्ठा का भव्य और दिव्य शुभारंभ हुआ है वो हम जन्म जन्मांतर युगांतर कल्पांतर की तपस्या को ही मानते हैं। आप कहाँ से आए बताइए, कैसा लग रहा है? जिला झांसी से आए हैं, अद्भुत और अकल्पनीय लग रहा है, बहुत ही अद्भुत लग रहा है। मंदिर के दर्शन हुए हम लोगों को, हम लोग धन्य हो गए हैं कि वर्षों की तपस्या के बाद जो आज हमारे जन्मभूमि पर मंदिर बना है और प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये भावना मन में आके अद्भुत मन हो जाता है इसी के। और जो मोदी जी के बारे में क्या करेंगे और योगी के बारे में क्या करेंगे? मोदी जी ने अद्भुत काम किया है, जो बिना खून खराबा के 500 सालों के बाद जो मंदिर निर्माण हुआ है, ये माननीय मोदी जी की देन है कि बगैर खून खराबा के इतना बड़ा वो काम हुआ है मंदिर निर्माण का। जय श्री राम। आप झांसी उत्तर प्रदेश। हाँ, कैसा लगा अयोध्या करके? बहुत अच्छा लगा। कैसे हो गए, कैसी लग रही है अयोध्या आपको? बहुत सुंदर। व्यवस्था आपको हुई, कोई दिक्कत हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। भी आए थे, बहुत बदल चुकी है अयोध्या जी मोदी जी से। पूरे हिंदुत्व को बहुत अच्छा वो मिल रहा है और सब लोग आ रहे हैं, पूरे भारत से दर्शन करने लोग आ रहे हैं और पुलिस की भी यहाँ योगी जी की चाक चौबंद बहुत अच्छी व्यवस्था है कि कोई तस से मस नहीं हो सकता है और बढ़िया दर्शन हो रहे हैं, कोई वो परेशानी नहीं आ रही है जो मोदी जी ने। हाँ, ठंड का कोई असर नहीं है यात्रियों पे। और जे मोदी जी का विशेष वो है कि जे सौभाग्य मिला है, वरना लोग बाग 500 सालों से संघर्ष करते हुए अभी तक कितने लोगों ने बलिदान दिया है, लाखों लोगों ने, आज वो तपस्या पूरी हुई। आप देखा आपने, बहुत लोग खुश हैं। सर मैं नासिक से आया हूँ और मुझे इतना आनंद आ रहा है आज कि पूछो ही मत। यहाँ की व्यवस्था कोई मंदिर में नहीं है, सिंगल लाइन करके बराबर और इतने कमांडो और पुलिस वाले, यहाँ की व्यवस्था देख के मैं तो गदगद हो गया हूँ और श्री राम जी का दर्शन करके तो मैं अद्भुत चमत्कारिक हो गया हूँ ऐसा लग रहा है। एक मन में आशा थी कि राम जी का दर्शन करूंगा और वो हो गया और इतनी सफाई से और इतनी आनंद से, ना भीड़ ना कुछ, ऐसी व्यवस्था पहली बार भारत में, पहली बार ऐसे मोदी जी ने की है, तो उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का और मुझे बहुत अच्छा लगा, ये आनंद का समय है। आप बताइए। हम दतिया से आए हैं, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी और योगी जी है तो मुमकिन है, हर काम सफल है। जय श्री राम। तो जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं मोदी जी के गुणगान भी गा रहे हैं, उनका कहना है जो व्यवस्था यहाँ पर है बहुत अच्छी है, प्रशासन भी व्यवस्था अच्छी कर रहा है, पुलिस भी सहयोग कर रही है हमारा और बकायदा अयोध्या राममय नजर आ रहा है। श्रद्धा भावना से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, दर्शन पूजा कर रहे हैं और अपने आप को धन्य मान रहे हैं। रूपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या।